हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? दुआ और उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे जिसका नाम है फूड एंड क्रिएटिविटी। तो फ्रेंड्स, जैसे मैं आपको बताने वाली हूँ, आज मैं आपके साथ अपनी पुरानी चीज़ों के साथ क्रिएटिविटी जो मैंने की है और जिस तरीके से मैंने इसे यूज़ किया है, पुरानी चीज़ों को फेंकने से पहले सोचें कि ये हमारे किस तरीके से काम आ सकते हैं। तो ये हम किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी पुरानी चीज़ों को, वो मैं आज आपको बताऊंगी। देखिए, ये मैंने एक टॉवल हैंगर बनाया हुआ है जो कि मेरे एक पुराने बैग का जो हैंडल होता है, इस तरीके के दो हैंडल हैं, तो मैंने इसको ऐसे रिक्रिएट करके एक टॉवल हैंगर बनाया है। आपको मैं दिखाती हूँ इसको हटा के। ये देखिए, इसको मैंने इस तरीके से यहाँ हैंग कर दिया है एक कील के साथ, और ये अब हमारा टॉवल हैंगर बन चुका है। तो आप भी इसी तरीके से कोई ना कोई चीज़ जो आपके घर में ऐसी हो जिसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उसके बारे में सोचिएगा ज़रूर। और इसके बाद भी मैं आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ जिसके साथ मैंने कुछ क्रिएटिव किया है। जी, तो आप देख सकते हैं, ये एक हेडफोन है। ये मेरा हेडफोन मैंने 1-2 साल पहले मंगाया था। इसे हमने काफ़ी यूज़ किया। उसके बाद जो है, इसके ऊपर एक रैक्सीन चढ़ी होती है जो कि इसके माइक्स पे भी चढ़ी हुई है, आप देख रहे होंगे। ये डैमेज हो चुकी है, आप देख रहे हैं ना। इसका तो मैं कुछ नहीं कर सकती थी, लेकिन हेडफोन ऊपर से इतना ख़राब लग रहा था। फिर मैंने इसको इस तरीके से, एक मेरे पास पुरानी टी शर्ट पड़ी हुई थी, उसका मैंने ये शेनील का कपड़ा लिया और काट के ऐसे लगा दिया, और इसको थोड़ा सा डेकोरेट भी कर दिया। जो हमारे पास वेस्ट या फिर ऐसे जिनको हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, इस तरीके के बटन मैंने इसको लगा दिए। अब ये मेरा नया हेडफोन फिर से तैयार हो गया है, जिसे मैं बाहर भी पहन के जा सकती हूँ, क्योंकि ये कितना ख़राब हो गया था, उसे पहनना अच्छा ही नहीं लगता था। तो आप भी इस तरीके से अपने घर की कोई भी ऐसी चीज़ हो जो आप इस्तेमाल ना करते हो, उसको फेंकने से पहले सोचिएगा ज़रूर। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे साथ कमेंट पे बातचीत भी कर सकते हैं। और मेरे चैनल का नाम है फूड एंड क्रिएटिविटी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।